समुद्री डाकुओं का बादशाह कहरमान हूं, कहरमान। मेरे कहर और गजब से समंदर का पानी इंसानी खून में बदल जाता है। मेरे जुल्म की कहानियां समंदर की हर लहर हर किनारे पर जाकर सुनाती है। मेरी ताकत का डंका बज रहा था, चारों तरफ मेरा ही बोलबाला था, लेकिन क्या कहरमान? लेकिन एक इंसान जिसका नाम सिंधबाद है, उस अल्लाह के बंदे ने मेरा नाम, मेरा काम, मेरी ताकत और मेरे जुल्म को अपने ईमान की ताकत से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तू मुझे कोई ऐसा जादू बता जिससे मैं इनमें से किसी जालिम गुनाहगार रूह को या खुद अपनी शैतानी जालिम ताकतवर रूह को कब्जे में कर लूं और इस दुनिया से सिंधबाद और उसकी इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये जादू दुनिया का भला करने के लिए सीखा है। मैं तुझे अपने जादू का इल्म नहीं दूंगा। अगर तू मेरी मदद करे तो मैं तुझे हीरे जवाहरात अशरफियां दूंगा और ऐश करने के लिए हसीन जिस्म कातिल अदाओं वाली खूबसूरत नाचने गाने वाली लड़कियां दूंगा। हुस्न जवानी और दौलत मुझे नहीं खरीद सकती, ये सब तो मेरे कदमों में है। कहरमान वो देख। कहरमान ये भी देख ले तू। हीरे जवाहरात देख ले। सब जादू इस छड़ी में है। हाँ
हाँ, लेकिन दूसरे के हाथ में जाने के बाद इस छड़ी से जादू नहीं हो सकता। जादू नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुझे मार तो सकता हूँ, और इस छड़ी को मैं अभी आग में जला दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अगर ये छड़ी जल गई तो पहाड़ों में, समंदर में भूचाल आ जाएगा, और पहाड़ों की बस्ती में रहने वाले हजारों इंसान और जानवर मारे जाएंगे कहरमान। ऐसा मत करना। तो फिर मुझे वो जादू बता जिसके पढ़ने से शैतान मेरे कब्जे में आ जाएगा, और उस शैतान से मैं हर काम ले सकूं। अरे अरे अरे, शैतान तो तू खुद है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुझे वो जादू बताता हूँ जिससे तेरे अंदर छुपा हुआ जालिम शैतान बाहर आ जाएगा, और तेरी गुनाहगार और गंदी रूह, तेरे जिस्म का साया हमजाद तेरे कब्जे में आ जाएगा। बता। तो सुन वो जादू सुन। शैतानी गंदे ख्यालात की छाया है तू। मेरा नाम क्या है? तेरा नाम है हमजाद। हमजाद? हमजाद। मैं क्या कर सकता हूँ? तू सब कुछ कर सकता है। तू आसमान में, जमीन पे और पानी में भी रह सकता है। तू छोटा और बड़ा भी हो सकता है।
क्या मैं मर भी सकता हूँ? हाँ, तू मर भी सकता है, लेकिन लेकिन तुझे आसानी से मौत नहीं आएगी। हाँ, तेरे जिस्म में दो सर हैं। दो सर? हाँ, दो सर। अगर तेरा एक सर काट दिया तो तुझे मौत नहीं आएगी। हाँ, उसकी जगह दूसरा सर आ जाएगा। दूसरा सर आ जाएगा? हाँ, दूसरा सर निकल आएगा। अगर तेरा दूसरा सर भी काट दिया तो तू मर जाएगा। हाँ, तुझे मौत आ जाएगी, तू मर जाएगा। हाँ, लेकिन तू सिर्फ मेरा हुक्म मानेगा, मेरा हुक्म। इस वक्त क्या हुक्म है? जा और मेरे दुश्मन अल्लाह के बंदे सिंदबाद जहाजी के जहाज को समंदर में डुबा दे। इस वक्त कहाँ मिलेगा सिंदबाद? उसे तू तलाश कर, आसमान में तलाश कर, जमीन में तलाश कर, पानी में तलाश कर, लेकिन तलाश कर, समंदर की हर लहर को खंगाल डाल, लेकिन तलाश कर, और सुन, उसे उसे जिंदा पकड़ कर मेरे पास लाना, जिंदा। हाँ, फिर मैं सिंदबाद और जादूगर की एक एक सांस खींच कर उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। हाँ, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जा, जल्दी जा, जा। जो हुकुम मेरे मालिक। अब मैं अपने साथियों के साथ यही रहूंगा। हाँ, यही रहूंगा। मेहरबान, जिंदाबाद। सिंदबाद, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता सिंदबाद। बिरादर अजीज हारिस, लो आप ही समसम पियो। मेरे मोहतरम सिंदबाद, मुझे महसूस हो रहा है कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी सांसें मुझे ये दुनिया छोड़ने का पैगाम दे रही है। काश मैं अपने वतन बगदाद में मरता तो अपने खून के रिश्तों से आखिरी बार मिल लेता, अपने वतन की जमीन में दफन होता, मेरी कब्र बनती, मेरे खून के रिश्ते उसे देखते। मगर अफसोस, अफसोस, अब तो मेरी मैयत, मेरी लाश इस समुद्र के हवाले कर दी जाएगी। मेरे वतन की मिट्टी भी मुझे नसीब न होगी। मैंने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक यादे वतन आई थी समझाने मुझको। इन आंसुओं को साफ न करो, इन्हें बहने दो। इन आंसुओं में मेरे बच्चों की शक्लें हैं, उनकी सूरतें हैं। इन आंसुओं में मेरे बीवी बच्चों की तस्वीरें हैं। ये आंसू बहते हुए मेरे गले और सीने तक जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे मेरे बच्चे मुझसे लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब्बा जान, आपने तो जल्दी आने का वादा किया था, आप नहीं आए, आपकी मौत की खबर आ गई। मेरी जान अटकी हुई है मेरे बीवी और बच्चों में, मेरे वतन में मेरी जान अटकी हुई है। हारिस मेरे भाई, सब्र से काम लो, सब्र करो, खुदा को याद करो, सब्र और हिम्मत रखो हारिस, आखिरी वक्त की परेशानियां कम हो जाएंगी। सब्र नहीं होता और हिम्मत तो पहले ही मर चुकी है, मुझे अपने बीवी बच्चे की याद आ रही है, मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ रही है। बिरादर सिंधबाद, ये खिलौना मेरे बच्चे को और ये बुंदे मेरी बेटी को दे देना और मेरी बीवी से कह देना कि वो अपने इस बदनसीब शौहर को माफ कर दे जो अपना वादा पूरा नहीं कर सका। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। खिलौना मेरे बच्चे को और ये बुंदे मेरी बेटी को दे देना और मेरी बीवी से कह देना कि वो अपने इस बदनसीब शौहर को माफ कर दे। इन सब बातों का जिम्मेदार मैं हूं, मैं सिंधबाद, अपना एक वादा पूरा करने के लिए न जाने कितने वादों का खून कर रहा हूं, मैं न जाने कितने इंसानों के जज्बात को तड़पा रहा हूं, पता नहीं कितनी बीवियां अपने शौहर के इंतजार में अपने आंसुओं से दामन भिगो रही होंगी, कितने बच्चे अपने बाप की मोहब्बत शफकत और सरपरस्ती के लिए तरस रहे होंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई हक नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है अपना एक मकसद पूरा करने के लिए इतने इंसानों की जिंदगी की खुशियों को आंसुओं में बदल दूं।